शरद पूर्णिमा पर जहां पूर्ण चंद्रमा अपनी पवित्र किरणों से पृथ्वी को शीतलता प्रदान करती है, वहीं इस बार 28 और 29 अक्टूबर की मध्य रात्रि के बीच चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चंद्रमा के ग्रहण लगने के पीछे का मुख्य कारण राहु केतु ग्रह होते हैं। इस बार चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगने जा रहा है। हिंदू धर्म के अनुसार ग्रहण का लगना शुभ नहीं होता और इस दौरान कई सावधानियां बरतने की जरूरत होती है। आपको बता दें कि चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल लगता है, क्योंकि ये भारत में दिखाई देगा, तो ऐसे में सूतक काल भी चंद्र ग्रहण के दौरान मान्य होगा। चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर की देर रात 1:06 से शुरू होगा और 2:22 तक रहेगा। चंद्र ग्रहण लगभग 1:16 का रहेगा और चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक काल लग जाएगा, यानी कि शाम 4:12 से सूतक काल मान्य होगा। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं कि सूतक काल के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय चैटर्जी और बोल स्काई में आप सभी का स्वागत है। सूतक काल के दौरान सिलाई कढ़ाई बुनाई जैसे किसी भी काम को ना ही गर्भवती महिला और ना ही सामान्य लोगों को करना चाहिए। वहीं सूतक काल के दौरान आप मंत्र जाप, भगवान का ध्यान आदि कर सकते हैं। सूतक काल के दौरान ना ही खाना बनाना चाहिए और ना ही खाना चाहिए, लेकिन इस दौरान आप लिक्विड डाइट ले सकते हैं। आपको बता दें कि सूतक काल में गर्भवती महिला या बुजुर्गों के लिए खाना न खाने वाला नियम लागू नहीं होता, वो अपनी जरूरत के हिसाब से खा सकते हैं। साथ ही सूतक काल में भी मंदिर में पूजा ना करें ना ही घर में पूजा करें, लेकिन मानसिक जाप कर सकते हैं, इसे शुभ माना जाता है। सूतक काल के दौरान पढ़ाई लिखाई की जा सकती है, साथ ही जॉब या व्यापार संबंधी काम को भी आप कर सकते हैं। सूतक काल के दौरान आप कपड़े भी धो सकते हैं, साथ अपने बाल और दाढ़ी भी कटवा सकते हैं। सूतक काल शुरू होने से पहले ही खाना बना लेना चाहिए, साथ ही खाना स्टोर करने से पहले आपको उनमें तुलसी के पत्ते तोड़कर डाल देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से चंद्र ग्रहण और सूतक काल का नकारात्मक प्रभाव आपके खाने को दूषित नहीं कर पाता। सूतक काल के दौरान आप स्नान आदि भी कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।